ओके हमजा आ गया हमजा जी सर जी मैं आ गया हूँ। बड़े अजीब सवाल पूछता है यार तू। क्लास होनी है यार। क्लास कभी छोड़ी है मैंने आज तक? वो सर जी वो एक ही सवाल ना वो दो दफा टाइप हो गया था उससे दो दफा सेंड हो नहीं गया आप डेली सवाल पूछते हो ये वाला। क्लास होनी है तुम ये बताओ। क्लास कभी छोड़ी है मैंने जो नहीं होनी? नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है वो असली बात है 10 मिनट ऊपर गुजर गए तो मैंने कहा पूछ लूँ ना कि मतलब थोड़ा डिले तो नहीं है एक काम है वो कर लूँ। अच्छा अच्छा कल हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा था ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा उसके अंदर अस्सलाम हमने वालेकुम। सिंपल पार्शियल। वाह इस्लाम। कल कौन सी एक्सरसाइज हमने की थी जनाब? फोर्टीन सात का कौन सी एक्सरसाइज की थी? फोर्टीन पॉइंट थ्री 14.3। गुड हो गया। पेज नंबर 790 पेज नंबर 790 790। गुड हो गए। आगे मैं कल हमने 14.3 की थी। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इसके। जी क्वेश्चन नंबर आपने 1 से लेकर 34 तक आपने इसके क्वेश्चन करने थे जिसके अंदर डबल डेरिवेटिव भी था और समझ आ गई ना आपको? सिंगल डेरिवेटिव था और क्वेश्चन नंबर जो था जनाब अली इसके अंदर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के जो क्वेश्चन थे वो थे जनाब 41 से लेकर 50 तक। ठीक है ना साद? ये चीज क्लियर है ना? अब आज का जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ। अब अच्छा हायर ऑर्डर का मैंने आपको कल बताया था कि हमने सेकंड ऑर्डर किया ना। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर के एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव कराता हूँ। मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल आपने सारी करनी है। ठीक है ना? ये 1, 2, 5, 6 सारी समझ आ रही है हमजा? यस सर हेलो जी सर जी हेलो समझ आ तुम अकेले ऑनलाइन हो कोई और भी ऑनलाइन है तुम्हारा? सर सर ऑनलाइन कोई और भी है ऑनलाइन या अकेले ही हो? सर सब सब है। वेरी गुड। अच्छा जी ये देखें ये देखें ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहे। यस सर ओके ये देखें जी पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव है ना। पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव तो इसको हम कहते हैं ax2। हमजा कल मैंने इसको इस तरह लिखवाया था आपको ना। मैंने कहा इसको ऐसे भी आप लिख सकते यस हैं ax.x और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx.x। याद है? यस इसको सर तीनों तरीके से ये फॉर्मेट आप तीनों तरीके से कर सकते हो। यस सर तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें सारे। ये क्वेश्चन करें जी ये वाला सारे। ये एफ ऑफ एक्स वाई सारे लिखें थे क्वेश्चन पास लिखें जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन करें उसके बाद मैं मिक्स की तरफ चलूंगा। मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे काम। एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स। अच्छा हमजा इसको आपने ना तीन फॉर्मेट से करना है। कौन तीन फॉर्मेट से कौन से इसको आपने करना है जनाब। पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ विद एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स के एक्स के। ये देखें ये नजर आ रहा है आपको ना? ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यस सर अच्छा एक ये फॉर्मेट है। जी दूसरा ये कि ए पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
A-Y-Scale. ये दोनों जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, फिर मैं मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव चलता हूँ. हर बंदा ये क्वेश्चन करे. मैं देख लू ऑनलाइन कौन है यहाँ पर क्लास में, ना बोलता कोई नहीं है दो बंदों के अलावा. मोहम्मद अवैस क्लास में मौजूद है जी? मोहम्मद अवैस, ये एक बुक शेयर हो रही है हमजा, ये बुक भी देख लें. यस सर. किरण अख्तर क्लास में मौजूद है? यस सर प्रेजेंट. सिर्फ प्रेजेंट ही बोलना, कुछ बोलना नहीं है क्लास में. मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आगे से बंदा कहता है सर कर लिया, क्या रिस्पांस है, किए हैं क्वेश्चन कल आपने, प्रैक्टिस की थी या नहीं की? जी सर की थी प्रैक्टिस. किरण मैं, अच्छा ये मरियम शहजादी कल गाड़ी में बैठी थी, आज आज गाड़ी में या आज आज घर में क्लास लेने बैठ गए? सर नहीं आज कर रही हूं मैं. मरियम आपने कल वाला टॉपिक क्लियर किया था? नहीं सर मैं आज कर लूंगी, मैंने था किया है. ठीक हो गया. उमर असगर समझ आ रही है आपको मेरे क्वेश्चंस की? यस सर आ रही है. साथ नहीं आए क्लास में आज? बिजी रही हूं. साथ प्रैक्टिस की थी आपने कल, कुछ क्वेश्चन किए थे? ये आज करनी है. हमास पट. यस सर प्रेजेंट. हमास पट कश्मीर किस जगह बैठे हैं आप इस वक्त? सर मीरपुर सिटी. इधर आओ ना कभी, इस साइड पे आओ, मुजफ्फराबाद वाली साइड पे, मुजफ्फराबाद आओ, मुजफ्फराबाद बाग ये इधर. मैं तुम्हें 20 किलोमीटर के बाद मिल जाऊंगा. चले इंशाल्लाह सर चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ ही. आ जाओ तुम्हें पीर चनासी बताएं किधर है. इधर इधर मुजफ्फराबाद के टॉप पर है सर. वो बड़ा अच्छा एरिया है, मैं सुना है, मैंने बहुत कुछ, पर मैं कभी गया नहीं. इंशाल्लाह आएंगे आपके पास भी. ये हमजा का प्रोग्राम बना हुआ, हमजा नूर का, इसके साथ आएंगे कभी. हमजा भाई के साथ हो सकता कोई और बंदे जा रहे हो. हमजा भाई डेली जाते हैं, आसमान से मुड़कर नीचे आ जाते हैं. हमास भाई आ जाना, कोई टेंशन नहीं. चलें ठीक है, इंशाल्लाह प्लान बनाते हैं सर. ठीक है, बाकी वो थोड़ा सा वो हो गया ना कोरोना की वजह से थोड़ा लॉकडाउन हो गया, वरना ये ट्रिप आपका एक लाजमी होना चाहिए. यस सर. सर आप करें ना कोई प्लान. चलें अभी ऑफिशियल क्लास हो रही है, नॉन ऑफिशियल जगह पर ये बात करेंगे. माज ये क्वेश्चन किया आपने अभी आयजा, एक्स डॉट कॉस वाई प्लस वाई डॉट ई की पावर एक्स, किसी ने किया? साथ कहां तक पहुंचे हैं? हो गया साथ? यस सर.
सात हो गया, क्वेश्चन हो गया जी? यस सर। जी सर हो गया। किसको कोर्स बनाऊं? सात आपको बना दूं? सात को बना दो। बना दे, बना दे। अच्छा यार, सोलह लोग प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है? बिलाल रियाज क्लास में आप प्रेजेंट है? जी सर प्रेजेंट। बिलाल रियाज क्या प्रोग्रेस है, क्या तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही आपसे? जी सर हो रही है। बिलाल रियाज आपको पता है एमसीक्यूज में आपकी क्लास में किसने टॉप किया है? किसने? नहीं साहब मंसूर, मैंने आपको कोर्स बना दिया। बुला रहे आपकी क्लास में किसके हाईएस्ट नंबर हैं? सर सात के ही होंगे। सात शेयर करें, मैंने आगे पढ़ाना है। हाईएस्ट दो बंदों के यार, एक हमजा नूर है, तो एक पतन तीसरा कौन है? ये एमसीक्यूज के अंदर सर सात है एक और एक जी ये नजर आ रहा सबको जी? मतलब क्या होता पता मरियम? ये व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो जरा, दो तरह के मतलब है इसके। ये साथ में जो लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें इसने लिखा है, इसने लिखा है एफ ऑफ एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल एफ डिवाइडेड पार्शियल एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब देखो मरियम, इसने ना ये जो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें और सिंपल डेरिवेटिव में फर्क क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपने प्रोडक्ट रूल नहीं लेना है। अगर प्रोडक्ट रूल आपने वहां लेना है जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो यहाँ भी एक्स हो, यहाँ भी साइन एक्स हो और इसके पीछे भी एक्स हो, यानी कि जो दोनों टर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों में एक्स हो, तब आपने प्रोडक्ट लेना है। अगर एक में एक्स है दूसरे में वाई है, तो आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू, जब देखें साथ ने किया विद रिस्पेक्ट टू, जब साथ कर रहा एक्स के लिहाज से, तो कॉज ऑफ जो कॉज ऑफ वाई नहीं है उसने, उसको इसने एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया। क्या किया जी? एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया। मरियम समझ आ रही है मेरी बात आपको? सर ये देखें, ये कॉज वाई जो है ना, इसको उसने एज अ कांस्टेंट कंसीडर किया, और जो पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स इसने लिया, इसका वन आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, एक्स के लिए तो एक्स का वन आ गया प्लस। अब देखो मरियम, उसने प्लस जो किया, प्लस क्या किया जी उसने आगे हमजा? प्लस उसने क्या किया? प्लस उसने किया जी y e की पावर x। अब y जो है ना इसमें कांस्टेंट है हमजा। अब पार्शियल आपने लिया x के लिहाज से e की पावर x का, तो आपको पता ना ये वही आता है, ये cos y आ गया * 1 आ गया प्लस y e की पावर x का पार्शियल ले लो, तो ये यही आता है, ये यही आता है, ठीक है जी? अब मरियम ये था f ऑफ x, क्या था जी ये? क्या था? एफ ऑफ एक्स। देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये समझो इस चीज को। अब जब इसका डबल डेरिवेटिव लोगे डबल एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियल स्क्वायर एफ डिवाइड बाय पार्शियल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब मरियम जब आप कॉस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लोगे एक्स के लिहाज से, तो क्या आएगा? कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा किरण? जीरो। कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स के लिहाज से? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। मरीम को कुछ पता नहीं है हमजा, मरीम को कुछ पता नहीं है, वो आगे से बोल नहीं रही ना, उसको इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो ये फिर बात में के नंबर भी ऐसे ही आते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो बच्चा सुनो नहीं बोलो भी साथ ना। कॉस वाई का जब डेरिवेटिव आप एक्स के लिहाज से अगेन लोगे बच्चे, तो वो जीरो हो जाता है। अब इसमें जो वाई है वो दोबारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का आपने अगेन जब डेरिवेटिव लेना है, तो बच्चे वो क्या आ जाएगा? जीरो प्लस वाई की पावर एक्स आ जाएगा। इसका मतलब पार्शियल डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? पार्शियल डबल डेरिवेटिव एक्स, जी पार्शियल डबल डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी? वाई की पावर एक्स आंसर आ गया जी, वाई की पावर एक्स आंसर आ गया। ये देखें जी क्यों जी मास समझ आइए आपको। मास समझ आइए जी सर, समझ आ गई। उसके बाद आपने इसी क्वेश्चन करना जी, किसके लिहाज से करना जी? इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बच्चे y के लिए। ये देखिए मैं व्हाइट बोर्ड को कैमरे को थोड़ा सा रोटेट करूंगा, इसको ऊपर मोड़ूंगा, ये देखें अभी आपको नजर आएगा, ये देखें। तो क्या करेंगे जी यहाँ पर, ये देखें y के लिहाज से करें, जो इसको f ऑफ y भी कह सकते हैं
और हमजा इसको कह सकते हैं पार्शियल एफ डिवाइड पार्शियल एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना हमजा। अब जब आप इसको एफ ऑफ वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लोगे किसका, उसी क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन क्या गिवन हमजा, ये देखो एफ ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन आपको ये गिवन है ना, एक्स क्या जी एक्स cos y x cos y plus plus y e y power x ये क्वेश्चन। अब इसको y के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हो तो y के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हो तो x x क्या हो गया, x इसमें कांस्टेंट हो गया हमजा, x इसमें क्या हो गया x x एज अ कांस्टेंट। और जब आप sin का cos का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा, माइनस sin sin y माइनस sin sin y तो प्लस प्लस e की पावर x इसमें क्या होगा, एज अ कांस्टेंट होगा क्योंकि x है ये, और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो f ऑफ y आंसर क्या आ गया जी आपका, माइनस x sin y प्लस e की पावर x, ये आंसर आ गया जी। ये जो आपने किया जनाब ये किया जी f ऑफ y किया। अब आप इसको करेंगे f ऑफ डबल y यानी एक और डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें क्या है जी, माइनस x क्या है जी कांस्टेंट है हमजा, माइनस x क्या है कांस्टेंट है, sin y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos y, cos y sin y का डेरिवेटिव क्या आएगा cos y, प्लस e की पावर x। अब मरियम e की पावर x है, e की पावर x का डेरिवेटिव लेना हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y x y के लिहाज से, लेकिन ये x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। मरियम नहीं बोलेगी, मरियम या कोई और बोलेगा, मरियम कभी भी नहीं बोलेगी, माइनस x cos y आंसर आ गया जी आपका। बच्चे सुनना नहीं है, बोलना है ना, मेरा इधर गला खराब हो गया आपके जी, मैं सुन रही हूँ, फिर सुनने का ग्रेड भी ऐसा ही होता है, फिर नंबर भी ऐसे ही होते हैं, रिस्पॉन्स करें, बोलने आया कि नहीं आया, नहीं आया फिर भी बताएं। ये था जी क्वेश्चन, सब ने कर लिया जी, जी सर सबको समझ आ गई है, यस सर जी साथ, ठीक है स्क्रीन अपनी ऑफ कर दें आप, मैं नेक्स्ट कर पढ़ा रहा हूँ। ये था जी पार्शियल मिक्स डेरिवेटिव, गुड हो गया, ये पार्शियल डेरिवेटिव था। साथ अपनी स्क्रीन को ऑफ करें ना, मैं नेक्स्ट खुद शेयर करूं, ठीक हो गया। ये देखें जी इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, किससे करेंगे जी, मिक्स पार्शियल किससे करेंगे, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा बात सुनिए जी, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज है, सवाल ये है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है क्या चीज है, ये जी मिक्स एम आई एक्स ई डी मिक्स, मिक्स पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव, ये देखें मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपके पास समझना है जी, आपने समझना है मिक्स पार्शियल है क्या, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं साथ साथ। yes. मिक्स ये होता है कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो ना, ऐसे एफ ऑफ पार्शियल ऑफ एफ डिवाइड पार्शियल ऑफ एक्स, ये सिंपल डेरिवेटिव है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव है, क्या है जी हमजा, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव। अब मिक्स क्या है, मिक्स क्या है, मिक्स ये कि इसके बाद आपने इसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है जी, किसके लिहाज से, एक्स के, एक्स के बाद वाई के लिहाज से लेना है, किससे लेना जी वाई के लिहाज से, हाँ पहले आपने उसका एक्स लेना है साथ, हमेशा जो एक्स जो पहले होता है ना, जो पहले इधर होगा, पहले आपने एक्स के लेना है, फिर आपने उसका जो आंसर आएगा उसका आपने किससे लेना है वाई के लिहाज से, वाई से। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एफ एक्स डॉट वाई, क्या लिख सकते हैं एफ एक्स डॉट वाई। अब यहां पर क्वेश्चन ये है साथ के, सर मुझे ये बताएं कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव में मैं कैसे आगे फाइंड आउट कर सकता हूं। देखें जी फाद मैं बताता हूं आपको, पहले आपने फाद आपने पहले आपने लिया जी एफ पार्शियल ऑफ एफ और पार्शियल एक्स, ये आपने सिंपल डेरिवेटिव लिया ना साद। जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे, देखो इधर साद इधर देखो, अगेन लोगे किसके लिहाज से लोगे, अगेन लोगे आप वाई के लिहाज से, वाई के लिहाज से, तो ये क्या होगा, ये होगा पार्शियल स्क्वायर वाई पार्शियल पार्शियल स्क्वायर एफ पार्शियल स्क्वायर एफ डिवाइड बाय पार्शियल ऑफ एक्स डॉट वाई, समझ आई साथ, ये फॉर्मूला है इसका। अब साथ बहुत से फॉर्मूले यहां पर, आप ये कहते हो कि सर नहीं मैं ये करना चाहता हूं, मैं पहले वाई के लिहाज से लेना चाहता हूं और फिर मैं सर किसके लिहाज से लेना चाहता हूं एक्स के लिहाज, तो साथ आप पहले क्या करोगे,
पार्शियल ऑफ एफ डिवाइडेड पार्शियल ऑफ वाई, फिर क्या करोगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लोगे। पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए हासिल होगा जी, आप ये लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव, सर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। पहले आपने साथ किसके लिए हासिल लिया था, वाई के लिए हासिल, ये वाई वाला यू लिखा, सॉरी ये अब आप ले, अब साथ आप लोगे आप एक्स के लिए हासिल है, तो आपने अंदर वाला पहले वाई वाला लिखना है, ये देखो ये, तो ये क्या होगा सर, पार्शियल स्क्वायर एफ डिवाइड बाय पार्शियल, क्या लिखोगे वाई डॉट एक्स, ये यानी कि पहले आपने x के y के लिहाज से लिया, फिर आपने किसके लिहाज से लिया, x के लिहाज से। अब देखो इसको शॉर्टकट क्या लिखते हैं हमजा, शॉर्ट आप कहते सर इसका और शॉर्टकट बताएं, यस सर इसका शॉर्टकट ये हमजा कि f y डॉट x क्या है, f f y डॉट x, इसका मतलब होता है सर पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना आपने y से, और जो आंसर आएगा फिर उसका किसके लिहाज से लेना है, x के लिहाज से, ये है ये तरीका है। अब इसको क्वेश्चन में सॉल्व करें जरा, ये फॉर्मूले समझ आ गए सबको, बेशक अगर किसी ने मेरे इस ये व्हाइट बोर्ड की तस्वीर बनानी है, साथ साथ बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप लिखा करने जाए सबसे ज्यादा बेटर है। इसी तरह के क्विज में आपको पेपर में दूंगा, जो नेक्स्ट क्विज जो हो रहा आपका वो क्विज का ये टॉपिक इंक्लूड है। आगे चले जी, ओके ये देखें जी, मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव मैंने आपको पहले फॉर्मूले समझाए, अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखें जी हमजा, क्वेश्चन आपको ये क्यों है, एफ 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 ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूं आपको नजर नहीं आ रहा है मैंने क्या लिखा, ये देखें एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, वही क्वेश्चन है साथ जो आपने किया था, एक्स कॉस वाई प्लस वाई डॉट ई की पावर एक्स। साथ पहले आपने इसमें सिंगल डेरिवेटिव फाइंड किया पार्शियल, फिर पार्शियल डबल डेरिवेटिव किया एक्स के लिहाज से, फिर सिंगल डेरिवेटिव किया वाई के लिहाज से, फिर डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव किया किसके लिहाज से, वाई के लिहाज से, वाई के लिहाज से। अब साथ इसमें क्वेश्चन जो मिक्स का है ना, मिक्स का उसको समझो जरा गौर से समझो, साथ आपने मिक्स ये फाइंड करना है पार्शियल स्क्वायर ऑफ एक्स डॉट वाई, बात को समझो, फिर साथ आपने ये करना है पार्शियल स्क्वायर ऑफ एफ डॉट पार्शियल y डॉट x, हम तो समझ आ रही है बात की, यानी कि पार्शियल f ऑफ x डॉट y, फिर क्या करना हमजा, f ऑफ y ऑफ x x। अब हमजा हम ना इसको चलते हैं इस क्वेश्चन को जरा साफ मैं सॉल्व करता हूं, ये लिख लिया आपने नोट कर लिया जी सर, क्या नहीं, अब हम ना इसको पहले करते हैं जी, ये हमजा ये क्वेश्चन हमारा बेसिकली ये कि भाई आप ये सॉल्व करो, मैं शॉर्टकट लिखता हूं हमजा बिल्कुल शॉर्टकट, ये देखें x डॉट y लिखता हूं, आप ये सॉल्व करो, अब इसको कैसे करेंगे ये देखें, पार्शियल ऑफ x इज इक्वल टू इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से हमजा क्या होगा, cos y इसमें क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ठीक है हमजा, फिर प्लस y इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि y हमजा हमजा y है नहीं है ना, तो जो चीज है नहीं है वो कांस्टेंट हो जाती है, यस सर ठीक है, इसमें y कांस्टेंट हो गया और e की पावर x का जब डेरिवेटिव लोगे वो वही आ जाएगा, यस सर ठीक है। अब हमजा आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लिया, आप डॉट करेंगे y, क्या करेंगे y के लिए x डॉट, बिल्कुल, अब cos का जब डेरिवेटिव लोगे, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है हमजा, पहले x के लिया था अब y, अब उसी क्वेश्चन को y के लिहाज से करोगे, ऊपर क्या आया था cos y आया था ना, तो माइनस क्या आएगा, माइनस sin y, sin y प्लस e की पावर x जो हमजा वो कांस्टेंट आ गया क्योंकि y के लिहाज से करें, और y का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमजा क्या आया f x dot y x क्या है f x dot y is equal to minus sine y plus e की पावर x, ये आंसर आ गया हमला, मानूर समझ आई आपको, मानूर मानूर नहीं है क्लास में, अच्छा जी ऐसे भी होता है, ये क्वेश्चन किया आपने जी साथ पार्शियल एफ एफ एक्स डॉट वाई, अब साथ इसी क्वेश्चन को आपने करना है, इधर मैं स्टैंड थोड़ा इधर मूव करता हूं, ये देखें साथ इसी क्वेश्चन को आपने करना है एफ वाई डॉट एक्स, क्या करना है जी एफ वाई डॉट एक्स, तो क्वेश्चन क्या है जी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन हमजा ठीक हमजा,
पहले इस क्वेश्चन को करेंगे वाई के लिहाज से, हमजा किस लिहाज से करेंगे? वाई के लिहाज से करेंगे, वाई तो एक्स एक्स इसमें कांस्टेंट रहेगा और वाई का क्या देगा जी? माइनस साइन वाई आ गया, साइन वाई, और इसमें एक्स वाला कांस्टेंट आ गया e की पावर एक्स और वाई का क्या हो गया जी? वन हो गया। हमजा समझ आ गई इस चीज की? यानी कि ये क्या है f f ऑफ y x माइनस साइन y प्लस e की पावर x, हमजा ये आ गया ठीक हो गया। अब इसी को करना है जी y डॉट x, किसके लिहाज से करना है? x के लिहाज से करना है y डॉट x, बिल्कुल। तो जब x के लिहाज से करोगे तो साइन y इसमें क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। हमजा ऐसे ही है ना जी, वन हो जाएगा साइन y जी प्लस e की पावर x, क्या वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि x के लिहाज से करेंगे तो x वो e की पावर x ही आएगा। तो हमजा क्या है आपके पास? y डॉट x इज इक्वल टू माइनस साइन प्लस साइन y प्लस e की पावर x। हमजा एक चीज को तुमने वो नहीं किया, ये देखो y डॉट x तुमने किया तो तुम्हारा आंसर क्या आया हमजा? माइनस साइन y प्लस e की पावर x। और जब हमजा तुमने ये किया था, ये देखो व्हाइट बोर्ड को मैं इधर मूव कर रहा हूँ कैमरे को, ये देखो y f x dot y, क्या जी? f x dot y, तो आपका आंसर क्या था? माइनस साइन y प्लस e की पावर। हमसे आंसर दोनों में क्या आ गया? सेम आ गया। आंसर क्या आ गया? सेम सेम आ गया। तो इसका मतलब है तुम ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो हमसे? ये थोड़ा कैमरा ऊपर, दोनों कांस्टेंट है, f x dot y f x dot y is equal to x y dot x, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हमसे कह सकते हो आप कि सर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमजा ये लिख ले, नोट कर लिया जी सर? जी क्वेश्चन सबने नोट किया जी? कोई ऐसा बंदा नहीं जो क्वेश्चन नहीं नोट किया? अगर टाइम दे तो मैं कैमरे को उधर मूव करके ना आप नोट कर सकते हैं। कर दिया जी सबने? जी सर। ये देखें, ये दो क्वेश्चन, ये दो पार्ट है किरण, ये दो पार्ट हमने किए हैं। ये देखो किरण नजर आए? किरण किरण भी चली गई है, यहाँ पे मर्जी की क्लास लेते हैं लोग आप यार। फतिया आपने नोट किया? यस सर। क्या नोट किया मुझे आप दिखा सकती हैं अपना नोटबुक अभी इस वक्त कैमरे में? क्या नोट किया आपने? देखा अब साथ, देखा तुमने आवाज तो आवाज ही नहीं आ रही। मैं जब सवाल पूछता हूँ ना फिर आवाज ही नहीं आती, फिर नेट प्रॉब्लम हो, फिर चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई गाड़ी में बैठा होता है, कोई कहाँ बैठा होता है। साथ देखा आपने, मैंने फतिया से सवाल पूछा कि आप नोट किया, उसने कहा यस सर नोट कर लिया। मैंने से कहा मुझे कैमरे में दिखाओ, वो आगे से चुप हो गए। हाँ फतिया मुझे आप अपने नोट दिखा सकती हैं कैमरे में? फतिया आप नहीं है, आपको क्लास से रिमूव कर दूं अगर आप आंसर नहीं कर रही तो? सर मैं आपको फोटो भेज सकती हूं। करें फोटो मुझे सेंड करें, बल्कि यहां पर ना कैमरे में दिखा दें, कैमरे में आप कैमरा ऑन करके अपनी उस पर लगा सकती हैं नोटबुक पे। मोहम्मद बिलाल रियाज आपने नोट किया? पर सर मैंने फोटो बनाई है। मुझे सेंड करो ना कहां फोटो बनाई है। मोहम्मद अवैस आपने नोट किया? मोहम्मद अवैस ये भी क्लास में नहीं है, और वो इसके साथ वाला दूसरा जो लड़का है वो जो सिंगर है, क्या नाम है उसका, फाद, वो भी नहीं है। मोहम्मद अवैस की जगह कौन ऑन है जी इस वक्त? मोहम्मद अवैस तो ऑन नहीं है, तो आज एब्सेंट है। इधर ही हूँ। तो कौन बोलेगा तुम्हारी जगह पर? तुमने नोट किया? सारी ये गली से शोर आ रहा है, साथ ग्राउंड है उधर से। नहीं आपने नोट किया जो आज का लेक्चर है? यस सर सारी मैं देख रहा हूँ, नोटबुक नहीं है इसलिए नोट नहीं किया। तो नोट करो ना यार, नोट करो। कौन करेगा नोट? सर वो लेक्चर से मैं अपलोड करेंगे तो कर लूंगा नोट, अभी नोटबुक नहीं थी इसलिए। नोट साथ साथ किया करें। दानियाल अफंदी, दानियाल अफंदी, दानियाल अफंदी क्लास में नहीं आज? नोट किया बच्चे आपने? जी सर स्क्रीनशॉट लिया। मुझे बताएं ना कहाँ लिया आपने? कैमरे से दिखाते हैं, कैमरे से दिखा दें। आपको सेंड कर देता हूँ स्क्रीनशॉट। अच्छा ये मुझे किसने ग्रुप में सेंड किया जी? 640 किसका नंबर है?
साथ नंबर लिखेंगे, मुझे तो नाम नहीं शो रहे वहां पर। सर मैंने किया। मैं का क्या नाम है? सर फतिहान। ये स्क्रीनशॉट किसने भेजा मुझे मेरे व्हाइट बोर्ड का? सर आपने बोला था स्क्रीन से ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। यार तुम लोग यानी ये तुम लोग इतने वो हो गए हमजा, इनको चेक करो यार, ये हाथ से लिखना पसंद नहीं करते, ये हाथ से लिखना पसंद नहीं करते ये। फिर ये कहते हैं पेपर मुश्किल था आपका सर। चलें ओके आगे चलें जी। साथ जी सर। जी सर साथ आगे चलें। ओके आगे चलते हैं साथ। ये एग्जांपल 10 आपने खुद करनी है, ठीक है सर। ओके अच्छा साथ एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि स्टिल हायर डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है स्टिल हायर डेरिवेटिव? ये मुझे इसे कोई आंसर करते, मैं इसको प्लस एक नंबर दूंगा आज क्लास में, एब्सोल्यूट वन नंबर दूंगा। स्टिल हायर डेरिवेटिव का क्या मतलब है? स्टिल हायर डेरिवेटिव सर इसके जो हमने किया सर, इसके आप डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। नहीं ये तो कोई बात नहीं है, स्टिल हायर डेरिवेटिव, ये देखो ये मैं लिख रहा हूं पार्शियल है जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्टिल हायर डेरिवेटिव। हाँ मतलब क्या समझे तुम इसमें, क्या समझे जी? किसी को आई तो मुझे समझा दे। डेरिवेटिव हाँ साथ साथ कब तक डेरिवेटिव लेंगे? जब तक बोला गया होगा, लेकिन दो से ज्यादा जब तक जीरो ना हो जाए। ये कौन बोला जब तक जीरो ना, ये कौन बोला है? उमर। कौन बोला जी ये जीरो वाली बात किसने की है? उमर वेल डन उमर, एब्सोल्यूट वन मार्क्स आज आपको मैंने दिया क्लास में। जब तक आपका आप डेरिवेटिव उस वक्त तक लेते रहे जब तक आपका जीरो ना आ जाए। क्या ना आ जाए? जीरो ना आ जाए, इसको कहते हैं हायर डेरिवेटिव। अब साथ बात सुनो, अब आप कहते हो सर मैं एक क्वेश्चन साथ ये देखना, ये मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना। एफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस है जी 2y। साथ देखो साथ मैं कहता हूँ जी आप इसको ना पार्शियल ऑफ इससे करो, पार्शियल ऑफ x करो, तो क्या होगा ये 6x हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। फिर देखो फिर इसको करो साथ, ये स्केयर हो जाएगा, ये पार्शियल x का होल स्केयर हो जाएगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा। देखो साथ थर्ड डेरिवेटिव जब लोगे थर्ड डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको कहते हैं हायर डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं हायर डेरिवेटिव, कि जब तक आप उसको उसका डेरिवेटिव लेते रहे साथ, ये जरूरी नहीं है कि वो तीसरा डेरिवेटिव है चौथा डेरिवेटिव पांचवा है, स्टिल उस वक्त का डेरिवेटिव लें जब तक वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। साथ क्या वैल्यू आ जाए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू 6 भी है और 0 भी है, ये दोनों सही है। अगर आपको कोई बंदा कहता है सर मैं 6 तक करता हूं तो इट्स मीन कि ये हायर डेरिवेटिव है, अगर कोई बंदा 0 तक फाइंड करता है इट्स मीन कि ये हायर डेरिवेटिव है। ये बात समझ आ रही है सबको? जी सर सर आ गया सर। अच्छा साथ एक एग्जांपल है, ये आपके सामने एग्जांपल है वो 11, इसको इसको जरा करें नोट करें, एग्जांपल 11 को देखें जरा। 11 क्या है ये देखें, फाइंड क्या है जी? साथ देखना गौर से क्या कह रहा है ये, फाइंड करो क्या f ऑफ पहले y से करो, ठीक है हमजा, फिर किसे करो, फिर x से करो, फिर y से करो, क्या कहता है, फिर y से करो और फिर z से करो, ठीक है हमजा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो f ऑफ x कमा y कमा z, क्योंकि साथ इसमें तीन वेरिएबल है इसलिए x z तक जा रहा है, 1 माइनस 2 देखो जी 1 माइनस 2 x y स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर y, ये क्वेश्चन लिख लिया सबने जी, नोट किया जी सर? बिलाल रियाज लिखा। अब इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसे करना है हमजा? y से, x y से, बात किसे करना है? y से करना है। ये 0 आ गया जी माइनस 2, ये 2x जो है ना कांस्टेंट आ गया, और y का क्या आ गया जी 2y आता है, ये y अगर 2 2 का क्या हो गया हमजा 4,
4xy हो गया और साथ z आ गया प्लस x का कांस्टेंट आ गया और y का क्या आ गया हमजा 1 आ गया ठीक अब हमजा क्या करना है y के बाद x से करना है किससे करना है x से करना है x से करना है तो माइनस फोर वाई जी कॉन्स्टेंट आ गया और x से क्या आ गया 1 आ गया x से क्या आ गया 1 आ गया और the 2x हो गया और x का क्या आ गया 2x आ गया क्या आ गया जी 2x क्या आ गया हमजा 2x हो गया हमजा फर्दर देखो दोबारा तुमने इसको किससे करना है हमजा y से दोबारा किससे करना है